प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सरकार घेरने का काम कर रही है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने समय की महंगाई दर को भी याद करना चाहिए। हमीरपुर के कोट कलंचड़ी में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सम्मान वितरण समारोह के दौरान धूमल ने निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने के फैसले को सही ठहराया। वहीं स्वयं के चुनाव लड़ने पर कहा कि ठीक समय पर होगा ठीक निर्णय। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे महंगाई प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के समय महंगाई चरम सीमा पर थी, जो कि दहाई का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी। सभी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे थे। कांग्रेस का काम ही हो हल्ला करना है। प्रेम कुमार धूमल ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी जल्द जनता को राहत पहुँचाने के उचित निर्णय लेंगे। निश्चित तौर पर विपक्ष का काम होता है इन मुद्दों को उठाना, लेकिन ओवरऑल कुल मिला के इम्पैक्ट क्या है? कांग्रेस के टाइम महंगाई डबल डिजिट में रहती थी, 11 से ऊपरी रहते थे, अब 3, 4, 4.5 इससे ज़्यादा नहीं जाती। लेकिन तेल की महंगाई है, मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इसमें जो भी अपनी तरफ से कर पाएगी वो करेगी और लोगों को इसमें भी राहत मिलेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने नगर निगमों के चुनावों को पार्टी चिन्ह पर करवाने के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि उनके समय में भी ये निर्णय लिया गया था, ताकि परिणाम आने के बाद जीते हुए उम्मीदवारों की खरीद फरकोत ना हो। उन्होंने सीएम जयराम का सही निर्णय लेने पर बधाई दी। देखिए, हमने जानबूझकर सोच समझकर निर्णय लिया था कि चुनाव होने के बाद क्लेम करना कि मेरा पार्टी का है, मेरा समर्थक है। मैंने तो मुख्यमंत्री को बधाई दी है कि सही निर्णय लिया है, आप इस पर डटे रहिए। पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव हो, जो जिसका जीतेगा पता लग जाएगा, फिर झूठे दावे बंद हो जाएंगे, हॉर्स ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो बहुत अच्छा निर्णय है, मुख्यमंत्री को बधाई और करना चाहिए। वहीं प्रेम कुमार धूमल ने पार्टी के प्रशिक्षण शिविरों पर उचित कदम माना है। उन्होंने कहा कि चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं के सहारे लड़ती है, उन्हें प्रशिक्षित करना आवश्यक है, इसलिए पूरे प्रदेश में भाजपा पार्टी द्वारा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बहुत फर्क पड़ता है, कार्यकर्ता के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है और कार्यकर्ता प्रशिक्षित होगा, तैयार होगा, जैसे युद्ध के लिए युद्ध अभ्यास किए जाते हैं, सेना हथियार चलाने की प्रैक्टिस करती रहती है, वैसे ही चुनाव लड़ने के लिए चुनाव में प्रशिक्षण होता है और कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि उसके माध्यम से चुनाव जीता जाए। वहीं प्रेम कुमार धूमल ने स्वयं के चुनाव लड़ने पर कहा कि ठीक समय पर होगा ठीक निर्णय लिया जाएगा। सर, आपके चुनाव लड़ने पे भी जो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ भी आवाज़ उठ चुकी है, क्योंकि अभी तो दूर है, लेकिन क्या समझे कि पूर्व मुख्यमंत्री इस बार फिर से चुनाव मैदान में देखेंगे? ठीक समय पर ठीक निर्णय होगा।